छी छी टॉयलेट में तुम क्या करने जा रहे हो? सर्वे सर्वा आप ही लोग हैं। ऐसे सॉरी करो, वहाँ चल के सॉरी करो। जाऊँ कहाँ है सर? जाऊँ जाऊँ कहाँ है? जाऊँ जाऊँ कौन बोला तुमको बोलने के लिए? जाऊँ कहाँ है सर? नहीं नहीं नहीं, पॉकेट में हाथ नहीं लगाते बेटा, आने दो। नहीं देते हैं हाथ, नहीं उसी समय हाथ लगा उसी समय रोको। हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी शाम के बज रहे हैं 6:30। हाँ, ये लड़का कभी था 2-3 दिन का। अमल दीदी नहीं, तुम ही लेके बैठो इसको, हम नहीं बैठेंगे। कभी 24 घंटे का भी था, करवट नहीं ले सकता था और आज किसी को करवट लेने नहीं देता है। रात में ये सोता है, जैसे मम्मी हल्का सा टर्न करेगी ना वैसे ही पैर लगा देगा। क्या ऐसे करके नहीं होता है? बैरियर में ऐसे पैर लगा देगा कि मम्मी आगे ना पलट सके। लगाओ इसको, बहुत गुदगुदी, बहुत गुदगुदी लगा, बहुत परेशान करता है पूरा। चाय टाइम, चाय टाइम, चाय टाइम, चाय टाइम, चाय टाइम, चाय टाइम। हाय 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 हाय, बत्ती दिया बच्ची दिया। हाँ बत्ती दिया, हाँ पूजा दिया, माँ माता रानी को दिया जला रही है। नमस्ते करके बैठो, हाथ जोड़ के बैठो, हाथ जोड़ के, हाँ वैसे करके बैठे रहो। हाँ, हे माता रानी, सद्बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, विवेक दीजिए, बुद्धि दीजिए कि बमाशी थोड़ा कम हो। हाँ माता रानी, सब गलती पूरे दिन का माफ कर दीजिए, थोड़ा बुद्धि दीजिए, थोड़ा विद्या दीजिए। हाँ, और बाबा जी थोड़ा सा दया कीजिए कि आपका मुकुट न चुराए। हाँ लॉयन है, हाँ माता रानी बैठी है लॉयन पे। मम्मी का पूजा शुरू और सार्थ का मम्मी के आगे पीछे भागना शुरू, कभी दिया के लिए, कभी बत्ती के लिए, कभी प्रसाद के लिए, कभी माता रानी के फूल के लिए, कभी साईं बाबा के मुकुट के लिए, कभी मोर पंख के लिए, कभी घंटी के लिए। थोड़ा सा इसको बंद कर देते हैं हम। माता रानी आपको हम बंद कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं तो आपका मुकुट गजला सब गायब हो जाएगा। पाश दीदी, पाश दीदी, नानी पाश दीदी, भोग लग गया। ये दाल सार्थ मंदिर से उठा लाया था और उसने जूठा कर दिया था, तो अब तो भगवान जी को चढ़ नहीं सकता था, तो इसका हम लोग बना रहे हैं दाल अपने खाने के लिए। और रात के खाने में मम्मी बना रही है दाल पिट्ठी, तो उसी में ये यूज हो जाएगा। साग पत्ता टूटी, हाँ टूटो साग पत्ता। प्रूफ, शाम के 7:15 बजे बन रहा है, तैयारी हो रहा है। कब का? कल का, कल के खाने का ना मम्मी, कल बनाएगी ना मम्मी। प्रूफ, इंसान का पेट अभी एक बार भरता नहीं है कि दूसरी बार के लिए तैयार हो जाता। वेस्ट नहीं करते बेटा, नन्ना बहुत मेहनत से उगाते हैं साग, वेस्ट नहीं करो। सारा साग कैसे फेंक रहे हो? ये सब कैसे तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो बेटा? तोड़ के नहीं फेंकिए बेटा, वेस्ट नहीं करते, लाइए रखिए यहाँ पर। पैंट ठीक करो, अपना पैंट ठीक करो, देखो पैंट में क्या हो गया, पैंट ठीक करो। हाँ टी शर्ट ऊपर करो, टी शर्ट ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए टी शर्ट, हाँ ठीक कीजिए। अब नीचे कीजिए, वापस नीचे कीजिए, वेरी गुड। उधर से भी ठीक कीजिए, उधर से भी ठीक कीजिए, वेरी गुड, गुड बॉय, गुड बॉय। हाय 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 हाय, सारा जितना कीड़ा होगा ना साथ सब तुम्हारे शरीर के ऊपर गिर जाएगा इसमें से। ये देखो,
सुदर्शन चक्र है विष्णु भगवान का। बकवास मत किया करो मेरे सामने, फालतू बोलोगे तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा कि कितना बेइज्जती करते हो मेरा। अब घर के एक कोने से घर के दूसरे कोने तक सारा बल्ब और जलता रहेगा तो तुम उसको नहीं बोलोगे कि दिवाली मना रही है? पटाखा फोड़ेंगे रात में 2 बजे रात में, तब क्या? मैं सिर के ऊपर हम फोड़ दे आलू बम। आलू बम कुछ आएगा तो भागेगी कितना तेज। मतलब हमको क्या समझते हो इस दिवाली में दिखाएंगे? रुकना, दिल्ली में जो गाड़ी थी पटाखा नहीं चलाना चाहिए आदमी को। पटाखा नहीं ना, हाँ पॉल्यूशन होता है, ऐसे ही बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन देख तो रहे हो, पॉल्यूशन का नतीजा। तुम्हारा ट्रांसफार्मर में आग लग गया, लाइन फट गई, इतना डर गई थी, सारा कोई बालकनी में खड़ा है। क्या हो गया उधर, क्या किए हो? पूजा गिर, क्या गिर गया पूजा में? जलता हुआ, चलो देखो, चलो देखो, चलो देखो, चलो मैं चाहूंगा तुम लोग रक्षा करना, चलो 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 चलो, भाग 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 भाग, देखे क्या हुआ, भाग 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 भाग, देखे 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 साथ क्या किया, क्या किया, कुछ किया है पापा? क्या किया है? क्या किया है? हाँ चार्जर फेंका है यहाँ पे। अच्छा दिया के ऊपर, जलते दिया के ऊपर चार्जर फेंके हो? क्यों फेंके हो चार्जर? सॉरी करो, सॉरी करो पहले माता रानी से, सॉरी करो वहां चल के, सॉरी करो, बोलो अब से नहीं करूंगा। हाँ चलो चलो अब से बदमाशी। कल्पना करो, एक बहुत अच्छा कल्पना करवा रहे हैं, करना ना करो जानू, तुम भी कर कि जानू ऐसे का ऐसे रह जाए ऐसा ही अपनी शादी के 10 साल बाद तक, और इसको जो इसकी जो बीवी हो वो हमको मेरे जैसी 3 मिला के हो। हम कल्पना करवा रहे हैं, जानू ऐसे भी नहीं रहेगा, जानू के शरीर का ये वो हड्डी नहीं बचा रहेगा, सब टूट टाट के जानू बचा रहेगा। देखो शर्म से चेहरा नहीं, शर्म से नहीं, इमेजिन कर रहा हूँ जानू, इमेजिन कर रहे हो ऐसे, सुनो ये रहा दरवाजा, निकलेगी ऐसे करके धक्का उक्का, जानू शर्मा गए, यानी शर्मा के उस उसको इससे डाइटिंग पूछ के रखो और उसको कराना। सर टॉयलेट में क्या करने जा रहे हो? छी छी टॉयलेट में तुम क्या करने जा रहे हो? पहली बार टॉयलेट में आया, सोच रहा होगा कि पता नहीं क्या है। छी 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 पैर धुला। सर क्या देखने गए थे उधर? लाइट बंद कर दी उसका, सोचता होगा ना कि सब उधर जाता क्यों है। डिनर में अभी दाल पिट्ठी, दाल पहले से बन के तैयार है कुकर में, और इसी कुकर में वो पिट्ठी बनाकर डाल रही हैं, ये फूल के शेप में बना के डालती हैं और एक सीटी लगाती हैं मात्र, दाल पिट्ठी बन के तैयार हो जाता है। मेरा तो ये फेवरेट डिश है, आप में से किसको किसको ये बहुत पसंद है और आपकी तरफ इसको किस नाम से जाना जाता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में इसको दाल पिट्ठी बोलते हैं, इसके साथ आप कोई भी चोखा बना सकते हैं। मेरे घर में जो इसके साथ खाया जाने वाला बेस्ट चोखा है वो है आलू का चोखा, पापा लोगों के लिए मिर्ची वाला और हम लोगों के लिए बिना मिर्ची वाला। दाल पिट्ठी हमारी तैयार हो गई है और ये लगाई मैंने आपकी पहली वर्चुअल थाली, ऊपर से मैंने यहाँ पर घी डाला है, आपको देखने में कैसा लग रहा है प्लीज़ एंजॉय कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। पिट्टू खा, खाइए पिट्टू, पिट्टू एक बार बोल दीजिए ना, पोटैटो पो टै टो पोटैटो पिट्टू पो टै टो पोटैटो पिट्टू पो टै टो पोटैटो। बज रहे हैं 1:30, इस वक्त आप देख पा रहे हैं शायद मेरी घड़ी में, वहाँ पर 1:20 हो रहे हैं। मैं अभी एडिटिंग कर रही थी आज आने वाले व्लॉग की
और अभी बाहर में एकदम धुआंधार बारिश हो रही है, बहुत 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 तेज बारिश हो रही है। बिहार के बहुत सारे इलाके में शाम से ही बारिश हो रही थी, बट हमारी तरफ नहीं हुई है। आई थिंक 9:30 बजे के बाद से बारिश शुरू हुई और इस वक्त एकदम पीट पीट के बारिश हो रही है। आपको आवाज आ रही है ना, बहुत तेज बारिश हो रही है। पता नहीं क्या, बहुत डर भी लग रहा है, कल सुबह पता नहीं कैसा मौसम रहेगा। बहुत तेज बारिश हो रही, बहुत ज़्यादा तेज। आई होप बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान ना हो, किसी की ज़िंदगी का नुकसान ना हो और ये प्रलय टल जाए। बहुत तेज बारिश हो रही है, बिल्कुल पेड़ के ना हिलने का आवाज़ आ रहा है। 10 मिनट का और बचा रह गया है, काम ख़त्म करते हैं। मैं एक चीज़ मैं सोच रही थी आप लोगों से बात करने का, मतलब ना अभी तक मेरे जो व्लॉग्स आते हैं उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, डे भी फिक्स नहीं है। ऑलमोस्ट मैं 5 to 6 days इन अ वीक व्लॉग डाल रही हूँ, नहीं है टाइमिंग तो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। कभी आफ्टरनून में आता है, कभी इवनिंग में आता है, कभी रात में भी आपको देखने मिलता होगा। बट मैं चाह रही थी कि मैं टाइम फिक्स करूँ। आप लोग क्या कहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और मैं ये भी सोच रही थी कि अब से 7 के 7 दिन व्लॉग आए, अभी जैसे कि आपको 7 में से 5 दिन मिल रहा था, तो मैं ये भी सोच रही थी कि नहीं 7 के 7 दिन आपको व्लॉग मिले और एक फिक्स टाइमिंग पर मिले। हाँ कभी ऐसा नेटवर्क इशू हो गया और या फिर कभी एडिटिंग में मुझे लेट हो गई, क्योंकि आप सब देख ही रहे हैं मेरी लाइफ, मेरे पास एक बेबी है जो कि बहुत मुझे परेशान करता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर होता है तो कोई बात नहीं। बट अदरवाइज 2 बजे का व्लॉग है तो चलो 3 बजे तक आ गया, ऐसा नहीं है कि 2 बजे का व्लॉग है तो रात के 11 बजे आ रहा है। तो मैं सोच रही थी फिक्स करने का, आप लोगों का क्या आइडिया है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपकी मर्जी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखने वाले आप ही लोग हैं, सर्वे सर्वा आप ही लोग हैं। तो आप लोगों को क्या सूट करता है मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर उसी अकॉर्डिंग मैं सब कुछ एडजस्ट करूँगी। इस व्लॉग को मैं यही पैन करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर से हिट कर दीजिएगा, टिंग 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 करके, सो दैट मेरे आने वाले व्लॉग के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।